जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं यहाँ खुप मिल लेन के ऊपर एक रज़वा है और वहाँ आज मैं वो करने के लिए आया हूँ। और ये जो मेरे पीछे है थेम्स वाटर का प्लांट है, जो हमारे बारिशी पानी, जो हमारे घर का पानी, जो टॉयलेट का पानी, जो दिगर वेस्ट वाटर हमारे हाउस होल्ड का है, बारिश का पानी यहाँ आता है इस सेंटर के अंदर, और इस सेंटर के अंदर पानी फिल्टर होता है और इसको केमिकल डाल के इसको पूरा प्रोफाइड करते हैं पानी को। पानी पूरा रिसाइकल करके पानी मोर दैन 1100 टाइम इसको पानी को फिल्टर करके प्योर करते हैं, पानी पीने के काबिल करते हैं, और यही पानी हमारे घर के अंदर वापस आता है जो हम फिर रीयूज़ करते हैं नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, हमारे बाथरूम के लिए, राय जो दीगर हम पानी घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं वही पानी वापस गटरों के अंदर आके और बारिशी पानी के साथ आके यहाँ आके फिर रिसाइकल होता है। और फिर हम ये पानी कई बार कोई पता नहीं कि हम एक हमारा ये जो पानी है वही पानी हम बार बार यूज़ करते हैं। मगर ये लंदन का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है राय कई सालों से कि हम लोग री यूज़ पानी कर रहे हैं। मगर जब ये हमको नहीं पता था, हम 70-60 के ज़माने के ये यहाँ के रहशी थे, तो हमको नहीं पता था भाई हमारा एज ए नॉर्मल पानी टूटी खोली पानी पर्या खटाखट पी लिया। मगर जब ये हमको रियलाइज़ हुआ और इंफॉर्मेशन मिली कि वही पानी हम फ्लैश वाला पानी पी रहे हैं, बर्तन वाला पानी, जो पानी हमारे अंदर पी रहे हैं, अल्लाह तौबा माफ़ी, फिल्टर हो के वापस आ जाए। मगर एविसन देखा है, एविसन देखो कि साढ़े यू नो कलमा पढ़ के पाक करके चीज़ असा फिर पाक हो जाती है। असा कई बार पानी पाने है भाई बिस्मिल्लाह करके पानी पीने, ये बार सो ऑलरेडी हमारा वाटर एक किस्म का पाक होकर असा पीने है। मगर जो मेन सब तू मेन सीक्रेट हमारे टेम्स वाटर की ये है कि हमारा पानी रिसाइकल हो के हम लोग पीते हैं, तो उसकी वजह से बारिशी पानी भी है एंड फ्लैश का भी पानी है। तो यही हमारी कोशिश है भाई। मगर हम लोग अंदर घर के अंदर वाटर पीते हैं, दूसरा है मिनरल वाटर जो बोतलों के अंदर है, वो भी कोई पता नहीं कि भाई जान वाकई मिनरल वाटर है, वही इसी टाइम के रिवर का पानी डाल के हम पी रहे हैं। आजकल प्राय 2 पाउंड 1.5 पाउंड की 6 बोतलें मिल जाती हैं एंड ईजी हम लोग पीते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ का बहुत अच्छा माहौल है और काफ़ी छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बाइक्स में, जैसे आप देख सकते हैं, पैदल ये वगैरह। और फिलहाल मुझे कोई पाकिस्तानी आदमी नहीं मिला, मगर मेरे साथ आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मेरे दोस्त, मेरे ब्रदर, पिछले कई साल से मैं इनको जानता हूँ, तो इनकी भी ख्वाहिश थी कि ये बड़े बड़े लंदन आए के बहुत बड़े फ़ैन थे, तो पिछले वीडियो में कॉमेंट भी करते रहे, देखते भी करते रहे, और मेरी वीडियो देख के राय इनने अली भाई ने शुरू किया था वो करने के लिए। तो आज मेरे साथ आई एम वेरी ब्लेस्ड, हमारे साथ इनका मौका मिला है चलने के लिए। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे अली भाई हैं जी, यहाँ इनका लाहौर का ताल्लुक़ है, इनका दूरे शहर बाटी गेट जी, एक दरवाज़ों से एक बाटी गेट है, वहाँ के ये रहशी हैं, रहने वाले हैं और यहाँ के लंदन में रह रहे हैं कई साल से, 15 साल से लंदन हैं, तो उसके हिसाब से तो हमारी दोस्ती काफ़ी पुरानी है। तो आज पहली बार हमारे साथ आए वो करने के लिए। तो जी अली भाई, कुछ कहना चाहते हैं आप? भाई यही कि मैंने आपको देख के शुरू किया था, बहुत अच्छा लगा, और वैसे भी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम इतना कुछ खाते हैं हमारे देसी खाने आपको तो बहुत ज़रूरी है कि कम से कम 10,000 स्टेप तो हम डेली चलें। हाँ 10,000 किलोमीटर बनता है, 7.5-8 किलोमीटर बनता है, होना चाहिए। और इतना टाइम है हमारे पास जी, इतना टाइम है हमारे पास, आई थिंक मतलब घंटा सवा घंटे में हो जाते हैं। हाँ
मगर टाइम निकालना चाहिए, टाइम निकालना चाहिए अपने लिए, बहुत ज़रूरी है। एक घंटा क्या है अपनी सेहत के लिए, फिर आगे जाके हमें परेशानी नहीं होगी। मगर मेरी भी 39 एज है माशाल्लाह, तो शुक्र है अल्लाह का। पहले जिम करता था पाकिस्तान में, इधर भी किया, फिर लॉकडाउन हो गया, तो अभी ये कि वॉक कर लेता हूँ। तो आज ख्वाहिश थी कि कभी आपके साथ, आपके चैनल पे देखी, तो मैं फिर आपको बोल ठीक है चलिए इकट्ठे करते हैं। माशाल्लाह। बड़ा लो ब्रिज है जी, सिर बचा के टुरना पैंदा। देखियो वो नजर आने के लिए वो नजर आ रहे थे पहले भाई, पानी जाएगा। ये देख लें जी, यहाँ एक छोटी सी लेक चल रही है, ये पूरे पूरे ईस्ट लंदन, वेस्ट लंदन, नॉर्थ लंदन में और टीवर रिवर थेम्स के साथ ये जाके मिलती है। बोट्स के अंदर घर हैं, ये लोग यहाँ रहते हैं, तो इन लोगों ने यहाँ काउंसिल को जो 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 रिवर के जो इंचार्ज हैं उन लोगों को फीस देते हैं और उसके वाले से यहाँ पार्किंग करते हैं और यहाँ पार्क करके वेरी सिक्योर पार्क करके यहाँ से निकल जाते हैं काम के लिए और यहाँ लोग रहते हैं। ये सोलर सिस्टम देखें, इसके ऊपर सोलर सिस्टम लगा हुआ है, डीजल का इंजन भी है और जनरेटर है, खाने पीने के लिए टॉयलेट, ये वाला पूरा रहायश। मंजिल कैसा है? मैं तो फर्स्ट टाइम सुना है ये यहाँ घर रहते हैं। हाँ फुल रहते हैं अंदर, अमेजिंग ब्यूटीफुल। ये देखो जी, ए गोरियां की सोच तक समझ तक इन्हों की, इन्हें बाइक चलाने वास्ते नाल ट्रक ला दिता कि जो आदमी के पास बाइक है उसको मुश्किल ना पड़े उठाने के, तो यहीं से रोल करके वो ऊपर लेके आए। Everything. And do you pay to park here? No, you can get a private mooring. Okay. Which will cost you about 10,000 a year. Okay. Or you can move every 2 weeks. And that's free? You pay a license fee. Okay. Depends how big your boat is. For this boat, it's about 1,200 a year. It's like your council tax. Yeah. So there's taps where you can fill up the water. And okay. But inside, I mean, I'm building my daughter a new bedroom now. Oh, so are you? Chaos. Perfect. But, you know, you could do yoga in the shower. There's a proper kitchen. There's a proper perfect bedroom. Proper living room. It's just the speed limit's 4 miles an hour. You serious. Know, you're not going quickly. Yeah, yeah, definitely. Rent or take, yeah. No, no, no. Thank you very much, sir. Cheers. You have a time to. And you can see some lift there. Eh? Yeah, I've done a lot of work. I've done a lot of work. हमारे टोटनम में और इस तरफ वापस हम जाएंगे। वो तो देखते हैं मुझे, मेरे साथ चलना चाहते हैं, इनबॉक्स मुझे कर दे उसके ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर या मैसेज छोड़ दे यूट्यूब के अंदर, तो इंशाल्लाह हम रेंज करेंगे एंड वी विल कम आउट
इस किस्म की ब्यूटीफुल लोकेशन हमारा, वहाँ लोग आएंगे। जी अली भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं फिलहाल? हाँ जी, मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ और इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि मैं अभी पाकिस्तान जा रहा हूँ, तो जब तक यहाँ हूँ इनके साथ डेली वॉक होगी हमारी। तो आप भी आइए और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, तो बहुत ज़रूरी है स्पेशली हमारे लोगों के लिए। सो बिफोर इट्स टू लेट, तो आएँ और साथ में हम लोग चलते हैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आप लोगों का जो मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग मुझे फॉलो इंडिया से कर रहे हैं, नॉर्वे से कर रहे हैं, स्वीडन से कर रहे हैं और पाकिस्तान से कर रहे हैं, और यहाँ लंदन तक भी लोग हैं जो मुझे फॉलो करते हैं। शुक्रिया आपका, आपके प्यार मोहब्बत का, और प्लीज़ मुझे फॉलो करते रहें और मुझे करेंजमेंट दें कि इस उम्र के जो 50 साल की उम्र है मेरी, थोड़ा कम से कम मैं थोड़ा हेल्थी ज़िंदगी अपनी गुजार लूँ, और जो मेरे प्यारे बाकी जो यंग एज के हैं कि भाई जान आप इस उम्र में आएंगे, तो इस उम्र आने से पहले थोड़ा सा अच्छा सी ज़िंदगी, हेल्थी की ज़िंदगी गुजार लें, तो जो मेरी ज़िंदगी में जो मुश्किलात है हेल्थ की वजह से, वो आप लोगों को ना आए। तो इस नोट के ऊपर आप लोगों को सबको मेरा सलाम, मेरा प्यार और अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम मी एंड टू एवरीबॉडी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब मी इफ यू लाइक व्हाट आई एम डूइंग, अप टू एवरीबॉडी, एंड शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, एंड दुआ में याद रखना।